हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूँ आपकी शेफ शेफ कंचन, और आज हम बात करेंगे कुकिंग के बारे में। बेकिंग से कुछ हटकर कुकिंग के बारे में, कुकिंग होती क्या है, टाइप ऑफ कुकिंग, मेथड ऑफ कुकिंग, ठीक है, कुकिंग का पर्पस क्या होता है, जो हम कुकिंग करते हैं हम कुकिंग क्यों करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे, आज हम इन सब के बारे में बात करेंगे। सो स्टार्ट कर सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ कुकिंग। जो कुकिंग होती है वो एक टेक्नोलॉजी, एक साइंस, एक आर्ट होती है फ्रेंड्स, जो कि हम कुकिंग करते हैं। कुकिंग ऐसा ही नहीं है कि कुछ भी कर लो कुकिंग में, मतलब कुकिंग है तो मतलब कैसे भी बना लो खाने को। ये लोग ऐसे लोगों की थिंकिंग होती है, यार कुकिंग ही तो है, कर लेंगे, बट ऐसा नहीं होता। कुकिंग नॉट अ चाइल्ड गेम, ठीक है, कोई बच्चों का खेल नहीं है कुकिंग करना। इसमें भी बहुत सारे मेथड, प्रोसीजर एंड बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो कि आप कुकिंग चाहिए या फिर जान लेना चाहिए, जिससे कि आप जो कुकिंग करते हो वो बहुत अच्छे से फिर आप कर पाओगे। और उस अगर आप अच्छे से कुकिंग करोगे तो आप उसको अपना, उसी को अपना प्रोफेशन भी, और अगर आप उस अच्छी कुकिंग करते हो तो लोग भी आपकी तारीफ़ करते हैं। अगर आप ऐसे ही कुछ भी बना दोगे तो आपको पता ही है, कोई भी आपके को नहीं बोलेगा कि हाँ यार ये बहुत अच्छी कुकिंग करता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि कुकिंग करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, तो कुकिंग इज़ नॉट अ चाइल्ड गेम। सो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं कुकिंग के बारे में, ठीक है। सो कुकिंग क्या होती है? कुकिंग एक ऐसी कला होती है, ठीक है, जो कि हीट के प्रोसीजर से हम खाने को कुक करते हैं। कुकिंग कुकिंग कहते हैं उसको। कुकिंग तो ठीक है, हीट से कुक होता है, बट कुकिंग करते टाइम हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, स्पेस चाहिए होता है, जैसे कि किचन चाहिए हमें प्रॉपर सेट। जैसे कि आप घर में, आपके किचन होगा, आप किचन में आपके पास बर्तन भी है कुकिंग करने के लिए, लैडल्स भी होंगे, प्रॉपर इक्विपमेंट चाहिए होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ भी कुकिंग कर लोगे। बहुत टाइम पहले, काफ़ी समय पहले की बात करें तो लोग ऐसे ही खा लेते थे, जो हमारी नेचर है, फ्रूट्स हम लोगों ने, मतलब नेचर्स ने हमें सब कुछ दिया है, नेचर से हमें सब कुछ मिला हुआ है, जैसे कि फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है। तो पहले ऐसे ही खा लिया जाता था, फिर धीरे 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 लोगों ने क्या किया, खुली खुले जगह में आग से मतलब खाना पकाना स्टार्ट। सो इस तरीके से हमारी जो कुकिंग स्टार्ट हुई थी। सो फ्रेंड्स, हम बात करें कि कुकिंग हम करते क्यों हैं, हम ऐसे ही क्यों नहीं खा लेते, क्या कुकिंग करना ज़रूरी है? सो फ्रेंड्स, यस, कुकिंग करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कुकिंग करने से हमारे जो खाने के न्यूट्रिशन होते हैं और जो उसके अंदर जो बेनिफिट्स होते हैं वो कुक करने के बाद मिलते हैं, सॉरी फूड को, कोई भी वेजिटेबल होती है, कुछ भी होता है, तो खाना पकाने के बाद उसके न्यूट्रिशन वैल्यू इंक्रीज़ हो जाते हैं, उसका टेस्ट इंक्रीज़ हो जाता है, उसकी जैसे कि ऑब्वियसली टेक्सचर तो इम्प्रूव होगा ही, अपीयरेंस जब रेडी हो जाता है तो देखने में और भी ज़्यादा टेस्टी एंड आई अपीयरेंस होता है कि उसको देखकर खाने का मन कर खाने को देखकर खाने का मन करता है एंड मोर डाइजेस्टिव हो जाता है। खाना जो कच्चा जल्दी से पच नहीं पाता था, वो जब हम कुक करके खाते हैं बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, एंड लास्ट की उसके अंदर जो कीटाणु यानी कि जर्म्स या कुछ भी है वो मर भी जाते हैं जब हम उसको कुक करते हैं। मान लो जैसे कि किसी भी सब्जी में या किसी भी चीज़ में कोई कीड़ा है, कुछ भी है, छोटी या बड़ी, मतलब कुछ भी जर्म्स है, तो वो कुक करेंगे हम उसको तो वो जर्म्स भी डेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा खाना है वो कीटाणु नाशक बनता है और हम उसको ईजली कंज्यूम कर सकते हैं। तो हम इस तरीके से खाने को पकाना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कुकिंग मेथड की, कि कुकिंग मेथड क्या हो, जो खाना पकाने के मेथड होते हैं उसी को खाना पकाने की प्रक्रिया बोला जाता है। बनाने के थ्री मेथड होते हैं, जो मेन मेथड होते हैं, थ्री मेथड होते हैं। एक तो हम जो कुकिंग करते हैं, एक ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट से एंड कॉम्बिनेशन हीट से, इन थ्री मेथड से हम कुकिंग ईजली कर सकते हैं। देन अब हम बात करें टाइप ऑफ कुकिंग की, कि कुकिंग के कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, आप ऐसे बोल सकते हो। सो फ्रेंड्स, ड्राई कुकिंग में ही इनके पार्ट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको थ्री कैटेगरी बताई, मेथड बताए थ्री, तो इन्हीं के थ्री मेथड में ही इनके बहुत सारे पार्ट। ड्राई हीट की बात करें तो जैसे कि ड्राई हीट की बात करें तो हम इसी में, जैसे कि हमारा बेकिंग भी आता है ड्राई हीट,
में बेकिंग भी आता है, रोस्टिंग भी आता है, पैन फ्राइंग भी आता है, मोइस्ट हीट में स्टीमिंग आता है, बॉइलिंग आता है, एंड और भी बहुत सारे मेथड्स और बहुत सारे टाइप्स होते हैं हीट की। तो इसमें स्टीमिंग आता है, ब्रिजिंग आता है, आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात की कुकिंग मेथड की। जैसे कि हम बात करें कि हमारा जो बेकिंग है वो भी एक इसी का पार्ट है, कुकिंग का ही पार्ट है, वो कोई अलग नहीं है बेकिंग। हाँ, वो कुकिंग का ही पार्ट होता है बेकिंग भी। जैसे कि मैंने आपको बताया ड्राई हीट, तो ड्राई हीट में ही हमारा बेकिंग आता है, कुकिंग होता है, वो हम हीट से उसको कुक करते हैं। और जो हमारा बेकिंग होता है, डायरेक्टली हीट से उसको बेक कर रहे हैं, डायरेक्ट हीट ना दे के हम उसको एक इनडायरेक्टली हीट से उसको बेक करते हैं खाने को। तो ये सारे जो थे फ्रेंड्स कुकिंग के मेथड से, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। और प्लीज़, अगर कोई डाउट है या कुछ क्वेरीज हैं तो प्लीज़ डिस्क में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल कर सब कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हो अगर आपको किसी भी प्रकार की ऑनलाइन क्लासेस लेनी है बेकिंग की, कुकिंग की, सो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो।